दोस्तों, ये टॉपिक पुस्तकों से संबंधित है जो कि पिछले 15 वर्षों में SSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे लिए गए हैं। तो ये हर बार पुस्तकें रिपीट होती है नए एग्ज़ाम में, जिसे आप देख सकते हैं, स्नातक स्तरीय परीक्षा, मैट्रिक स्तरीय और LDC वगैरह सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो ये पुस्तक के नेम है, कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट नंबर है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक अरुण शौरी है। द गॉड ऑफ थिंग्स के लेखक कौन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय है। द पेसेज टू इंग्लैंड के लेखक महेश भट्ट हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड ये बुक है महेश भट्ट के द्वारा लिखी गई है। न ख़त्म होने वाली कहानी ये एक आत्मकथा है जो कि नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक सभी को पता है APJ अब्दुल कलाम की है। हमारा राष्ट्रगान है वो कहाँ से संकलित है, तो वो तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है, तो बिल गेट्स है इसके लेखक। द कंपनी ऑफ वीमेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, खुशवंत सिंह के द्वारा। ए विश्व स्मरणीय साहित्यिक पात्र स्वामी का रचनाकार कौन है, R.K. नारायण है। नेक्स्ट है कोर्ट एंड देयर जजमेंट्स पुस्तक के लेखक है वो अरुण शौरी है। ए टेल ऑफ टू सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक है वो चार्ल्स डिकेंस है। एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक है वो जॉर्ज आरवेल है। गिन ड्रिंकर्स पुस्तक है वो सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद किन पुस्तकों के साथ संबंधित है, मुंशी प्रेमचंद की जो पुस्तकें लिखी गई है वो किन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो सेवा सदन से है, गबन और रंगभूमि से है। सेवा सदन, गबन और रंगभूमि से संबंधित पुस्तकें लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। माई प्रेजिडेंट ईयर्स पुस्तक है वो R. वेंकट रमन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक है द क्लासेज ऑफ सिविलाइजेशन। द क्लासेज ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक है वो सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई है। सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा हैरी पॉटर पुस्तक है, ये इम्पोर्टेंट है जो कि 2 बार पूछी जा चुकी है मैट्रिक स्तरीय और टेक्स असिस्टेंट के द्वारा इन एग्जाम में। तो ये JK Rowling के द्वारा हैरी पॉटर पुस्तक लिखी गई है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है वो अरविंद घोष हैं। लाइफ डिवाइन ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा प्रतीक्षा पुस्तक लिखी गई है। हरिवंश राय ने प्रतीक्षा नामक पुस्तक की रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो वो पुस्तक कपाल कुंडला है। और V.S. नायपॉल किन पुस्तकों के साथ संबंधित है, तो वो पुस्तक है ए बेंड इन द रिवर। अनदर पुस्तक है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। और एक पुस्तक और है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो बेंड इन द रिवर, हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास एंड एरिया ऑफ डार्कनेस है वो V.S. नायपॉल की पुस्तकें हैं। और इसके बाद है मिडनाइट डायरीज किसकी आत्मकथा है। मिडनाइट डायरीज ये आत्मकथा बोरिन येल्त्सिन की है, बोरिस येल्त्सिन की मिडनाइट डायरीज है वो बोरिस येल्त्सिन की आत्मकथा है। कार्टून पात्रों मैंड्रेक द मैजिशियन तथा फैंटम का सृजन किसके द्वारा किया गया है, तो वो लीफ हॉक के द्वारा किया गया है। किस लेखक को हाफ ए लाइफ पुस्तक के बुकर पुरस्कार मिला था, हाफ ए लाइफ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, V.S. नायपॉल के द्वारा। और इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।
नेक्स्ट पुस्तक है लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, वो यान मार्टेल है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक है वो यान मार्टेल है। ए रिवर सूत्र, रिवर सूत्र पुस्तक है वो गीता मेहता के द्वारा लिखी गई है। द कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक है वो बर्ट्रेड रसेल है। कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बर्ट्रेड रसेल के द्वारा लिखी गई है। मुल्क राज आनंद की रचना है तो द विलेज है इसके द्वारा लिखी गई, मुल्क राज आनंद के द्वारा द विलेज। अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा, अप्रेंटिसशिप ऑफ महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा नाम की फिल्म बनाई गई थी वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अप्रेंटिसशिप ऑफ महात्मा वो फातिमा मीर के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक पे द मेकिंग ऑफ महात्मा नाम की फिल्म भी बनाई जा चुकी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष, ये नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे इनके द्वारा लिखी गई है। माई लाइफ है वो किसकी आत्मकथा है, माई लाइफ तो ये बिल क्लिंटन की है। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक का लेखक कौन है, सिटी ऑफ जॉय के पुस्तक के लेखक है वो डोमिनिक लापियर है, डोमिनिक लापियर। यहाँ कुछ पुस्तकें दी हुई है जिनको सम्मिलित करना है। माई प्रेजिडेंटियल ईयर्स आर वेंकट रमन की है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एस राधा कृष्ण की। वॉइस ऑफ कॉन्शंस वी वी गिरी विदाउट फियर ऑफ फेवर एंड संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट है पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी थी, मिडनाइट चिल्ड्रन ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। मिडनाइट चिल्ड्रन टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है वो विक्रम सेठ है। टू लाइव्स विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक वो अबुल कलाम आज़ाद की है, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक है अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट जो कि गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक मानी जाती है, तो रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखी गई है, रस्किन ब्रांड के द्वारा अनटू द लास्ट। प्रसिद्ध काव्य गीत, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। मुल्क राज आनंद की लिखी पुस्तक कौन सी है, कुली वह टू लिप्स एंड द एंड ए ब्रेड, कुली वह टू लिप्स एंड ए ब्रेड मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी पुस्तक लिखी थी तो गाइडिंग सोल्स है, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। एक प्रसिद्ध पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जेम किंज के द्वारा लिखी गई है, जेम किंज के द्वारा। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक है वो किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। व्हाट वेंट रॉन्ग अच्छी पुस्तक है, किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर एस राधाकृष्ण किन पुस्तकों से संबंधित है, एस राधाकृष्ण के द्वारा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एंड आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, ये दोनों ही पुस्तक लिखी गई है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है और एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा लिखी गई है। ये मेंडरिंग पास्चर ऑफ मेमोरीज पुस्तक है वो शोभना नारायण के द्वारा लिखी गई है, मेंडरिंग पास्चर ऑफ मेमोरीज शोभना नारायण के द्वारा लिखी गई है। द रोड अहिड ये बिल गेट्स की लिखी हुई पुस्तक है, द रोड अहिड। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक है वो किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है वो पुस्तक के लेखक किरण देसाई है। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड ये पुस्तक दीपक चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है,
एजलेस बॉडी और टाइमलेस माइंड है, ये दोनों ही पुस्तकें दीपक चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक के लेखक है वो सरोज वेदनाथन है। द व्हाइट केसल नामक पुस्तक है वो ओरहन पामुक के द्वारा लिखी गई है। द व्हाइट केसल ओरहन पामुक। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे एक समाचार पत्रिका है जो वर्तमान मामलों को समर्पित है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम ये भी इम्पोर्टेंट है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम ये पीछे भी आ चुकी है। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यानी ये पुस्तक बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये डाटा इंटरप्रेटर 2009 के अलावा भी अभी इन्हीं 2016-17 में भी कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया ये विमल जालान के द्वारा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जालान के द्वारा। दो जिगजेंग वे है वो अनिता देसाई के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक किशवर देसाई ने लिखी थी? किशवर देसाई के द्वारा लिखी गई है विटनेस द नाइट है। और द पुस्तक एनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, एनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक है वो सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक किशवर देसाई ने लिखी है? विटनेस द नाइट, विटनेस द नाइट पुस्तक वो किशवर देसाई के द्वारा लिखी गई है। द एनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस सलमान रश्दी के द्वारा है। और वी एस नायपॉल ने ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक लिखी है। वी एस नायपॉल ने ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी है? तो कमला दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है टू नाइट दिस सीवेज राइट, टू नाइट दिस सीवेज राइट पुस्तक वह कमला दास के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है वो अतीक राहिमी ने लिखी है? अतीक राहिमी के द्वारा लिखी गई है अर्थ एंड एसेज, अर्थ एंड एसेज पुस्तक है वो अतीक राहिमी के द्वारा लिखी गई है। ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जोसेफ लेलीवेल्ड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, जोसेफ लेलीवेल्ड है इस पुस्तक के लेखक। नवीनतम पुस्तक है कुरुक्षेत्र कारगिल, ये कुलदीप सिंह जी के द्वारा लिखी गई है कुरुक्षेत्र कारगिल। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के रचयिता है वो कपिल देव है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। एक प्रसिद्ध पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक हैं वो एन आर नारायण मूर्ति है। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ये किसकी आत्मकथा है? तो ये ममता बनर्जी की है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अंधेरी नगरी चौपट राजा पुस्तक के लेखक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, काफ़ी बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक है महात्मा गांधी है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है? एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक है जनरल जे जे सिंह के द्वारा लिखी गई है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? नीरज सिंह चौधरी ने।
प्रसिद्ध उपन्यास है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया। प्राइड एंड प्रेजुडिस। बियॉन्ड द लाइन, बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी है, किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? कुलदीप नैयर के द्वारा। आर्म्स एंड द मैन नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। आर्म्स एंड द मैन। ए लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी है वो रोहिंटन मिस्त्री की है। ए लॉन्ग जर्नी रोहिंटन मिस्त्री की है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक थी। हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी ने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी। प्रेम पच्चीसी के रचयिता कौन है? प्रेम पच्चीसी मुंशी प्रेमचंद जी है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये महात्मा गांधी की है। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक है वो जे एम किंच है, जे एम किंच। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज की है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। हरिश्चरित ये भी इम्पोर्टेंट है, बाण भट्ट के द्वारा लिखी हुई है। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक ए पी जे अब्दुल कलाम है। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। कुछ पुस्तक दी हुई है उनके लेखक के नाम है ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेन की है। पिकविक पेपर्स भी चार्ल्स डिकेन के हैं। हार्ड टाइम्स ये भी चार्ल्स डिकेन के हैं। और प्राइड एंड प्रेजुडिस ये जेन ऑस्टिन की है। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? फोली एस नरीमन है। द स्टेट ऑफ द नेशन फोली एस नरीमन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? मार्क्स द एंजल्स ने। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरतमुनि है। वाई सोशलिज्म पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। वन स्ट्रा रिवल्यूशन ये मेम नोबू फुकुआरा फुकुओका के द्वारा लिखी गई है। नो फुल स्टॉप इन इंडिया ये मार्क टुल्ली के द्वारा लिखी गई है। सलमान रशदी की पुस्तक ग्रीम्स है, जो कि उनकी प्रथम रचना थी। दास कैपिटल के लेखक का वो कार्ल मार्क्स हैं। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की लिखी हुई है। नॉन स्टॉप इंडिया है वो मार्क टुल्ली की है। लखनऊ बॉय है वो विनोद मेहता की है। बियॉन्ड द लाइन्स है वो कुलदीप नैयर की है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, ये भी इम्पोर्टेंट है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। डॉट लॉफ वीर आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन है बिशन लाल वोहरा, जो कि आईजीपी थे, बिशन लाल वोहरा जी ने किया है। डॉट ऑफ वीर आर पुलिस। राग कामेश्वरी की रचना वो उस्ताद अमजद अली खां की है। राग कामेश्वरी। लाइफ डिवाइन पुस्तक है वो श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई है। लाइफ डिवाइन। मेघदूत का लेखक कौन था? कालिदास जी थे मेघदूत के। कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक था? तो मुल्क राज आनंद था। रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। और अष्टाध्यायी पुस्तक है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि। भगवत गीता है वो वेद व्यास के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। महाभारत वेद व्यास के द्वारा है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा है। अभिज्ञान शाकुंतलम है वह कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंश मेघदूतम और कुमार सम्भवम ये सभी कालिदास जी की रचना है चारों। और नाट्यशास्त्र है वो भरतमुनि का है। मृच्छकटिकम है वो शूद्रक का है। मनुस्मृति है मनु का है।
महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, सिद्धांत शिरोमणि है वो भास्कराचार्य की है, हितोपदेश नारायण पंडित का है, बुद्धचरितम नामक पुस्तक है वो अशोक घोष के द्वारा लिखी गई है, बुद्धचरितम, स्वपन स्वपनवासवदत्तम पुस्तक है वो भास के द्वारा लिखी गई है, भास के द्वारा, और सौंद्रानंद पुस्तक है वो अशोक घोष की है, पंचतंत्र या हितोपदेश पुस्तक भी विष्णु शर्मा की है, पंचतंत्र हितोपदेश विष्णु शर्मा की है, एक हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा भी लिखी गई है, मालती माधव भवभूति के द्वारा है, सिद्धांत शिरोमणि है भास्कराचार्य के द्वारा है, ये महाभाष्य पतंजलि की है, अमरकोश अमर सिंह जी की है, कामसूत्र वात्स्यायन की है, मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, कादम्बरी बाणभट्ट, हरिश्चरित्रम बाणभट्ट की है, नागानंदन नागानंद है वो हर्षवर्धन की है, और प्रियदर्शी का भी हर्षवर्धन की है, मालविकांगनी मित्रम है वो कालिदास की है, मालविकांगनी मित्रम और ऋतुसार भी है वो कालिदास की है, और विक्रमोवर्षीय भी कालिदास की है, रत्नावली है वो हर्षवर्धन की पुस्तक है, नीतिशतक है वो भर्तृहरि की है, ऐसे ही देवी चंद्र गुप्तम है उसके लेखक है विशाख दत्त है, कथाश्रित सागर है वो सोमदेव के द्वारा लिखी गई है, कीर्ति कौमुदी है वो सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है, नेस दिया चरित्रम श्री हर्ष के द्वारा, अवंती सुंदरी है वो दंडी के द्वारा, और दस कुमार चरित्रम भी दंडी के द्वारा लिखी गई है, राजतरंगिणी है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई है, और कोक शास्त्र नामक पुस्तक कोका पंडित के द्वारा लिखी गई है, काव्य मीमांसा है वो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, कर्पूर मंजरी है वो राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, कुमारपाल चरित है वो हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, शिशुपाल वध माज्ञ की रचयिता है ऋतुसार कालिदास की है, ये इतने इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम थे।